वेलकम टू क्रिकप्लेक्स, क्रिकेट का नया दौर। आज हमारे साथ मिस्टर सनी डिलोन, जो कि बात करेंगे मैच नंबर 41 आरसीबी वर्सेस हैदराबाद। तो सनी, स्वागत है आपका क्रिकप्लेक्स में। बहुत-बहुत धन्यवाद सनी। कल के मैच जो आरसीबी वर्सेस हैदराबाद है, हम देख रहे हैं कि एक तरफ आरसीबी के साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ हैदराबाद अच्छा किए जा रही है। तो कल दोनों टीमों की क्या आपके हिसाब से अप्रोच रहनी चाहिए? देखिए, कल का मैच जो है, एक तो पहली बार हैदराबाद में एक टीम है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो टॉप पे ऑलमोस्ट और हर रिकॉर्ड तोड़े जा रही है, और एक जो टीम है आरसीबी, वो हमेशा पहली ट्रॉफी के तलाश में रही है। आज सत्रहवां साल है आरसीबी का, और मेरे हिसाब से इस सीज़न भी उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। और बात करते हैं कल के मैच की, तो कल का मैच हैदराबाद में, जैसे आपने बताया मुझे, और कल का मैच भी कहीं ना कहीं मुझे वही है, विराट कोहली पर डिपेंडेंसी रहती है आरसीबी की। और अभी जो उसके पिछले मैच के पॉजिटिव्स हैं, अगर उसकी बात करें, तो सिर्फ विल जैक्स है और आपका विराट कोहली है। जैसे विल जैक्स ने पिछले मैच में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए थे, एक अच्छी इनिंग खेली थी। रजत पाटीदार भी हमने देखा है कुछ फॉर्म में वापसी आ गए हैं। पिछला मैच भी इन्होंने कई हद तक अपने फेवर में ले लिया था, फिर उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी गड़बड़ाई और लास्ट में वो कुछ रनों से हार गए। तो आपको क्या लगता है, ये फियरलेस क्रिकेट में जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत सारे पॉजिटिव हैं, अगर पॉजिटिव लिए जाएं, हर मैच में कोई भी टीम हारती है तो उसमें वो उनके ऊपर होता है कि भाई आप उसको किस तरीके से पॉजिटिवली लेते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो आती रहती है आरसीबी से, लेकिन एज अ टीम कभी भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आती है। टीम बॉन्डिंग वाली कहानी यहाँ पे नहीं होती है, हमेशा कोई ना कोई जैसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप ना मैचेस नहीं जीतते, आप अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जैसे आप देखिए विराट कोहली पर्पल कैप में सबसे आगे हैं, लेकिन टीम सबसे नीचे है। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि कल मैच में कहीं जैसे फियरलेस क्रिकेट खेले और अपने आप को थोड़ा सा हैदराबाद पे डोमिनेट करके चले? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब ऐसा आपको क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर माइंड से जाना है कि यार हमको ना बेसबॉल क्रिकेट खेलना है, मतलब जैसे बेसबॉल चल रहा था, अभी इंग्लैंड खेलती है, उस तरीके से आपको पहली बॉल से लेके और आपको 120वीं बॉल तक आपको एक ही इंटेंट में खेलना है। आप उसके बाद 60 रन पे आउट हो जाओ, अभी भी आप वैसे भी जीत नहीं रहे हो, तो आपके इंटेंट क्लियर होना चाहिए, माइंड क्लियर होना चाहिए, आप जाइए और दूसरी टीम को लिए बिल्कुल जैसे दूसरी टीम खेल रही है। तो फिर से एक हम कल के जो मैच है उसमें एक लॉन्ग स्कोर, एक बड़ा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीम वैसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो हैदराबाद के हर मैच में ऐसा लगता है कि वो अपना पिछला वाला रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड और नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। 300 प्लस कल सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हो, जैसे आरसीबी की बॉलिंग है और जिस जैसे वो हैदराबाद की बैटिंग कर रहे हैं, तो 300 तो हर मैच में मुझे लगते हैं, कल 90% लग रहा है कि कल वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ओके, लास्ट क्विक क्वेश्चन है, क्या लगता है आपको कल आरसीबी अपनी जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? देखिए, आरसीबी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके बैटिंग, अगर वो अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ समझ के और हर मैच में चेज करने ही जाए, क्योंकि बॉलिंग से वो नहीं कंटेन कर पाते, हाँ, तो आपको एक माइंडसेट आपका प्ले हो जाना चाहिए कि चाहे वो कंडीशन कैसी भी हो, कैसी नहीं है, आपका स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग है, तो बैटिंग को बैक करो। Yes. ये क्लियर माइंडसेट जाएगी तो आरसीबी मैच भी जीतना स्टार्ट करेगी और टूर्नामेंट भी जीतना स्टार्ट कर सकती है। तो आज हमने सनी डिलोन, जो कि एक्सपर्ट व्यूअर हैं आज के इस मैच में, और इन्होंने बताया कि आरसीबी कल एक फियरलेस क्रिकेट खेल सकती है और कहीं ना कहीं डोमिनेट होके एक ट्राई करना चाहिए कि एक जीत और अपने खेमे मिले। यस गाइस, जैसे कि सनी डिलोन ने बताया, हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कल आरसीबी फियरलेस क्रिकेट खेलेगी और कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि हैदराबाद पे वो डोमिनेंसी प्राप्त करे। साथ ही साथ ये भी वो एक्सपेक्ट कर रहे कि कल कहीं 300 का जो स्कोर है, जो अभी तक नहीं बनाया है, जो सारे चाह रहे कि बन जाए, तो कल माइट भी वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिकप्लेक्स यूट्यूब चैनल पर, हम आपको सेम मैच की प्रेडिक्शन लेके आएंगे टॉस के बाद। थैंक यू।